हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले दोस्तों कैसे दोस्तों हम सैमसंग के फ़ोन में दोस्तों हम कॉन्टैक्ट नंबर को सेव कर सकते हैं। दोस्तों अपने फोन दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करना चाहते हो दोस्तों, अपने फोन दोस्तों आप कॉन्टैक्ट नंबर को कैसे सेव कर सकते हो आज की वीडियो दोस्तों हम बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों हम सैमसंग के फ़ोन में दोस्तों हम कॉन्टैक्ट नंबर को कैसे सेव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा नंबर को सेव करने के लिए, यहाँ पर दोस्तों आपको अपने फ़ोन डायरेक्ट सेटिंग दोस्तों यहाँ पर आपको ऑन कर लेना पहले। दोस्तों यहाँ पर आपको एक नंबर को एंटर करना है, जो भी नंबर आप सेव करना चाहते हो दोस्तों आपको वो एंटर करना है। दोस्तों एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर मैंने ये नंबर यहाँ पर एंटर करके रख लिया इस तरीके से ये नंबर। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करना है दोस्तों इस प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों आपको प्लस पे क्लिक करना है, दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट, आपको इसी पे क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जो भी नाम दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है आपको दोस्तों वो नाम लिख लेना है इस तरीके से, जिसके दोस्तों यहाँ पे पहले से अगर आपने कोई नाम वगैरह सेव कर रखा है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं कर रहा हूँ दोस्तों मैं इस तरीके से इसको लिख ले रहा हूँ ओ भाई, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको सेव कर लिया ओ भाई करके। और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो सेव का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर दें। दोस्तों देख सकते हो तो ये नंबर हमारे फ़ोन में यहाँ पे सेव हो गया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे इस नंबर को यहाँ पर आके चेक कर सकता हूँ और लिस्ट में आके, तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख जाएगा ओ भाई। तो दोस्तों आप इस नंबर को यहाँ पर आके आप चेक कर सकते हो, इसकी हिस्ट्री वगैरह दोस्तों यहाँ पर आके आप चेक कर सकते हो, जो भी अपने फ़ोन कॉल्स वगैरह करी होगी आपस में यहाँ पर आके आप उसको चेक कर सकते हो। दोस्तों आप इसको अपने फेवरेट लिस्ट में सेव कर सकते हो। दोस्तों आप इस कॉन्टैक्ट नंबर को शेयर करना चाहते हो दोस्तों यहाँ पर आप इसको शेयर कर सकते हो। दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हो थ्री डॉट पे, तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिखेगा डिलीट क्यूआर कोड और ब्लॉक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप एडिट पे क्लिक करते हो दोस्तों यहाँ पर आप इस नंबर को एडिट कर सकते हो अपने फ़ोन में। दोस्तों अगर आपने नंबर गलती से गलत सेव कर दिया है दोस्तों यहाँ पर आके इस नंबर को वापस से ठीक कर सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो आप इस तरीके से इसको वापस से सेट कर सकते हो। दोस्तों आपने नाम भी गलत लिख दिया तो यहाँ पर आप इसको नाम को भी सही कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर लिख लेता हूँ दोस्तों मैं भाई, और मैं इसको दोस्तों दोबारा से सेव कर देता हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारे फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर एडिट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर हट गया दोस्तों ये बी वाली लिस्ट में आ जाएगा, जो उसकी यहाँ पर दोस्तों मैंने भाई से दोस्तों ये मैंने सेव करा नंबर देखा दोस्तों यहाँ पे, दोस्तों यहाँ पे दो नंबर आ रहे हैं भाई से। तो दोस्तों मैं सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, दोस्तों ये नंबर दोस्तों हमारे फोन में दोस्तों जो भी हमने एडिट करा है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप इस तरीके से अपने सैमसंग के फ़ोन दोस्तों आप नंबर को सेव कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई है दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, बाय दोस्तों।